कैलाश पर्वत भारत के उत्तर पड़ोसी देश तिब्बत की एक पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता ये भी है कि इस पर भगवान शिव का निवास है, पर इसका कोई वैज्ञानिक तर्क अभी तक नहीं मिला है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई इससे लगभग 2 किलोमीटर अधिक 8,848 मीटर है। और आज तक माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और उसे 2 किलोमीटर छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। कई मान्यताओं में तो ये भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र भी है। कई कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। तो क्या ये सही है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर विजय हासिल करना इंसानों के बस की बात नहीं है? कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर गहन रिसर्च करने वाले पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने कैलाश पर पर्वतारोहण को बिल्कुल असंभव बताया। उनके साथ कर्नल विल्सन और शेरपा टिनसेन भी थे। विल्सन ने उन्हें बताया कि शेरपा ने दावा किया है कि कैलाश पर हम चढ़ सकते हैं। विल्सन ने कहा कि जब उन्होंने कैलाश को दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ से देखा, उन्हें लगा कि चढ़ा तो जा सकता है, लेकिन फिर जो उन्हें अनुभव हुआ वो अद्भुत है। विल्सन ने कहा, जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कुछ माउंटेनियर्स ने कहा है कि कैलाश पर कभी चढ़ा नहीं जा सकता, तो कई ने ये माना कि कैलाश पर पहुँचने का एक सीधा रास्ता है। रशिया के माउंटेनियर सर्गे का भी कुछ ऐसा ही अनुभव था। उन्होंने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी और मन को ये ख्याल तेज़ी से जकड़ने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता चला गया। आज कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पाबंदी है, लेकिन कैलाश पर चढ़ाई कोई नई बात नहीं है। उस समय भी पर्वतारोही कैलाश के रसों से अभिभूत थे। एक बार एक ऑस्ट्रेलिया के माउंटेनियर ने तिब्बत के एक धर्म गुरु से पूछा कि क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, तो उन्हें जवाब मिला, जो इंसान पूरी तरह पापमुक्त हो वही कैलाश पर चढ़ सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे बर्फ की दीवारों के रास्ते नहीं जाना होगा, बल्कि वो एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे पर्वत शिखर पर जा सकता है। कैलाश पर पिछली चढ़ाई का रिकॉर्ड 2001 का मिलता है, जब चाइना ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद उसे दुनिया भर से प्रतिक्रिया मिली कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और उस पर इस तरह से चढ़ाई करने नहीं देना चाहिए। और बाद में जाके इन प्रतिक्रियाओं का ये परिणाम निकला कि कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन क्या लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए पर्वतारोहियों ने कैलाश पर कदम नहीं रखा है? लेकिन फिर तो ये दूसरे पूजनीय पर्वत जैसे कंचनजंगा पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन उस पर तो 1953 में ही चढ़ाई हो गई थी। क्या वाकई कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है? क्या यहाँ पर सारी दिशाएं आकर एक हो जाती हैं? क्या कैलाश एक पिरामिड है जिसे विज्ञान इसे धरती की नाभि कहता है? कैलाश का महत्व तो उसकी हाइट में नहीं बल्कि उसकी शेप में है। इसका चौमुखी आकार कंपास की चार बिंदुओं जैसा है। इससे निकलने वाली चार नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और गगारा चार दिशाओं को दर्शाती हैं और इस पूरे क्षेत्र को चार भागों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के चार भागों को समझाता है। कैलाश पर्वत इसके केंद्र में स्थित है, तो एक अवधारणा के मुताबिक उसे धरती का केंद्र भी कहा जाता है। कुछ रशियन साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक कैलाश एक ह्यूमन मेड पिरामिड भी हो सकता है, जिसे किसी सुपर नेचुरल पावर वाले इंसान ने बनाया हो। दूसरे कई साइंटिस्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वो एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र। एक्सिस मुंडी का उल्लेख सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बल्कि दूसरे धर्म और मान्यताओं में भी किया गया है। कई सभ्यताओं ने अपनी रहने की जगह को एक्सिस मुंडी माना है।
जैसे चीन का पुराना नाम मिडिल किंगडम इसलिए पड़ा क्योंकि उस वक्त मानना था कि चीन पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। एक्सिस मुंडी को धरती और आकाश के बीच संपर्क का बिंदु भी माना जाता था। जापान ने माउंट फ्यूजी, चाइना ने माउंट कुनलुन, नेटिव अमेरिकन ने ब्लैक हिल्स और भारत और तिब्बत ने कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी माना। इस्लाम में भी मक्का को धरती का केंद्र माना जाता है। कैलाश को अगर पृथ्वी का केंद्र माना गया तो इसकी कई वजह हैं। पहला, धरती का भौगोलिक केंद्र होना। दूसरा, आकाश और धरती के बीच केंद्र बिंदु होना। तीसरा, चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु होना। और चौथा, ईश्वर और धरती के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना। कैलाश का पूरा इलाका अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है और उसमें सबसे खास है ब्रह्मताल और राक्षस ताल की कहानी। क्या आप एक ही क्षेत्र में ऐसे दो ताल की कल्पना कर सकते हैं जिनके गुण और धर्म अलग अलग हों, यानी एक जीवन का प्रतीक और दूसरा जीवन से रहित। लेकिन कैलाश क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों के दावों को तब और बल मिलता है जब वहाँ थोड़ी ही दूरी के बीच दो तालों में काफ़ी असमानता पाई जाए। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला मानसरोवर ताल, जिसे ब्रह्म ताल भी बोलते हैं, और जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, और उसके दक्षिण पश्चिम में ही है चंद्रमा जैसा दिखने वाला राक्षस ताल जहाँ पर कोई नहीं जाना जाता। इन दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। ब्रह्म ताल का पानी शांत, मीठा और जीवनदायक है और इसी वजह से इसमें जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं पनप सकता। कई मान्यताओं में लिखा है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का। वैसे दोनों ही, ब्रह्मताल और राक्षस ताल का पानी का स्रोत तो एक ही है, पर मानसरोवर झील का पानी पीने लायक है, वहाँ पर जीव जंतु भी निवास करते हैं, परंतु राक्षस ताल का पानी खारा है और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई खास जीवन नहीं है। पौराणिक कहानियों में भी बताया गया है कि मानसरोवर झील का सबसे पहला विचार ब्रह्मा जी के मन में आया था, इसकी वजह से इसे मानसरोवर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मन का सरोवर। जबकि राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि लंकापति रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, जिस वजह से इसे राक्षस ताल या रावण ताल भी कहा जाता है। दुनिया में कई लोगों ने माना है कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। जो इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह इन शक्तियों को भी महसूस कर सकता है। वैसे बात अगर सिर्फ महसूस करने की होती तो इसे कुछ लोगों का भ्रम कहकर टाला जा सकता था, लेकिन जो बदलाव लोगों ने अपनी शारीरिक संरचना में कैलाश पर्वत के प्रवास के दौरान महसूस किए उन्हें नकारा नहीं जा सकता। कई लोगों को यहाँ पे लगता है कि वक्त काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है और उनके बाल और नाखून काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कहानी भी है कि एक बार साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश रीजन के पास अपना कैंप डाला और उन्हें लगा कि उनकी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और सिर्फ एक साल बाद कुछ अननेचुरल कॉजेस की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। पर कई एक्सपर्ट्स की इसमें राय है कि शायद वहाँ पे वक्त तो उतनी तेज़ी से नहीं बीतता, पर आप अपने आसपास की चीज़ों जैसे आपके नाखून या बाल को ज़्यादा नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि ये नॉर्मल उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन कई धर्मगुरु कहते हैं कि जो सिद्धि सामान्य जगह पर 1-2 साल लगते हैं वो कैलाश पर्वत पर 1-2 घंटे में ही हो सकती है। वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब सूरज डूबता है तो कैलाश पर्वत पर कुछ समय के लिए स्वास्तिक का निशान नज़र आता है, लेकिन क्योंकि पर्वत की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा जा सकता, इसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे पाता। कैलाश पर्वत पर कई बार फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। इस बात को डॉक्टर अर्नस्ट ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने कैलाश पर काफ़ी रिसर्च करके ये चीज़ पता लगाई थी, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है कि अभी भी क्या वहाँ पे कोई अनआइडेंटिफाइड फॉर्म में रहता है? इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि कैलाश पर्वत अपनी जगह से हिलता रहता है।
इसी वजह से जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो कई बार रास्ता भटक गए। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए बीच में यम द्वार आता है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस यम द्वार को क्रॉस करने के बाद इसे दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहिए वरना इसे काफ़ी अपशगुन होता है। एक बार नासा ने जानने की कोशिश की थी कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता है। इसके लिए उसने अपनी सैटेलाइट से इसके ऊपर की काफ़ी तस्वीरें खींची थी और उन तस्वीरों को देखकर काफ़ी लोग हैरान हुए थे क्योंकि उसमें भगवान शिव के चेहरे की आकृति कैलाश पर्वत के ऊपर बनी हुई थी। कैलाश पर्वत के कई रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि कई लोग इसे पिरामिड से कंपेयर करते हैं। मुंबई के संस्कृत स्कॉलर मोहन भट्ट का कहना है कि रामायण में भी कैलाश पर्वत को एक पिरामिड की तरह ही दिखाया गया है और वेदों में भी कुछ इसी तरह की बात लिखी हुई है। कैलाश पर्वत की परफेक्ट शेप उसे दूसरे किसी भी पहाड़ से अलग करती है। डॉक्टर अंस जो एक रशियन ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि कैलाश पर्वत जो अपने आसपास छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है उसके लिंक्स इजिप्ट में मिलने वाले गीज़ा के पिरामिड से मिलते हैं, पर इन क्लेम्स को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने डिसमिस करा हुआ है। पर कैलाश पर्वत की सिमेट्रिकल शेप एक मिस्ट्री तो है क्योंकि दुनिया के किसी भी नेचुरली अक्रिंग पहाड़ में ऐसी शेप होना काफ़ी मुश्किल है। कई लोग इसे बिगेस्ट मैनमेड पिरामिड भी बोलते हैं। कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि कई धर्मों की आस्था का स्थान है। कई धर्मों में इसको पूजा जाता है, जैसे जैन और बौद्ध धर्म में कैलाश का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में तो कैलाश को भगवान शिव के निवास का स्थान माना गया है, वहीं जैन धर्म में कैलाश पर्वत का वर्णन मेरु या सुमेरु नाम के पर्वत से मिलता है जो आम इंसानों की पहुँच से बहुत दूर है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने केवल 8 कदमों से इस पूरे पर्वत को नाप दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम अष्टपद भी पड़ा। तीर्थंकर ऋषभदेव को इसी पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उधर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हिसाब से कैलाश पर्वत भगवान बुद्ध के डेमचौक रूप का गृह स्थान है, जिन्हें धर्मपाल भी कहा जाता है। बौद्ध अनुयायियों का मानना है कि यहीं से उन सबको आशीर्वाद मिलता है। बौद्ध धर्म में पूरे कैलाश पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर बौद्ध गुरु रिम्पोचे ने 7वीं और 8वीं सदी में तांत्रिक क्रियाएँ की थी, जिसके बाद तिब्बत का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म बन गया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म से पहले तिब्बत के मुख्य धर्म बौन धर्म में भी कैलाश पर्वत का काफ़ी उल्लेख मिलता है। लगभग हर धर्म में ये तो मानते हैं कि कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करने पर उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है।